गुरुग्राम के हादसे की। गुरुग्राम के चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी में हुए हादसे के मामले में जिला नगर योजनाकार विभाग की जांच पूरी हो गई है। अधिकारी ने चिंटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को निर्माण को मंजूरी देने वाले इंजीनियरों और आर्किटेक्ट समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। देखिए रिपोर्ट। साइबर सिटी में चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के डी टावर में हुए हादसे को 72 घंटे बाद जिला नगर योजनाकार विभाग की जांच पूरी हो गई है। बता दें कि 10 फरवरी लगभग 6 बजे द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक सेक्टर 109 इलाके में बनाई गई चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी में हादसा हुआ था, जिसमें 18 मंजिला डी टावर की 6 मंजिल के ड्रॉइंग रूम की छत अचानक ढह गई थी। छत का मलबा नीचे की मंजिलों तक की छत को ध्वस्त करता हुआ पहली मंजिल तक आ गया था। इस हादसे में पहली मंजिल में रहने वाली रेलवे के सीनियर अफसर अरुण श्रीवास्तव की पत्नी की मौत हो गई, जबकि अरुण को 16 घंटे बाद निकाला जा सका। वहीं सेकंड फ्लोर पर रहने वाली एक महिला की भी मौत हो गई। डी टावर के पार्क में मलबे का बड़ा ढेर लग गया था। यहां से गुजरने वाला हर शख्स को इसे देखकर अंदर तक गुस्से में उठा था। यहां रहने वाले सभी लोगों के मन में इस बात का डर बैठ गया था कि कहीं इमारत का कोई और हिस्सा अचानक से ना गिरने लगे। जिला नगर योजनाकार अधिकारी के चिंटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सभी निदेशकों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण को मंजूरी देने वाले इंजीनियरों और आर्किटेक्ट समेत 10 को दोषी पाया है। इस सभी 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी कागजात बनाने और साजिश रचने का मामला दर्ज हो गया है। डीटीपी विभाग के अनुसार 2 नवंबर 2007 को टीसीपी डिपार्टमेंट में 12.56 एकड़ में रिहायशी सोसाइटी विकसित करने के लिए चिंटेल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अशोक सोलोमन को लाइसेंस दिया। 2008 में करीब 1011 स्क्वायर मीटर का लाइसेंस इंटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजकरण प्राइवेट लिमिटेड और चिंटेल इंडिया प्राइवेट को दिया गया। मार्च 2011 को 9 टावर के निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान मंजूर हुआ। अगस्त 2016 को 4 से लेकर 8 नंबर टावर ईडब्ल्यूएस नर्सरी स्कूल और बेसमेंट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया। दरअसल इससे पहले डीटीपी की ओर से बजघेड़ा थाने में दी गई शिकायत में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा गया था, जिसमें डीटीपी ने 6 मंजिल पर हो रहे निर्माण के जिम्मेदार लोगों पर पुलिस की ओर से चल रही जांच में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के महानिदेशक केएम पांडुरंग ने डीटीपी आरएस बाट को हादसे की जांच सौंपी थी। डीटीपी की ओर से रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है, साथ ही स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। इस मामले में डीटीपी आरएस बाट की माने तो मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया है कि ये बिल्कुल फिट है फॉर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और ये बिल्कुल जो है ये ठीक बिल्डिंग है और सेफ है। अगर ये सेफ के उन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं तो वो जांच में बताएंगे कि ये कैसे सेफ थी और ये हादसा क्यों हुआ। अगर मटेरियल में कमी थी तो वो देखा जाएगा। बाकी ऑडिट के ऊपर भी एक दिन में हम इमीडिएटली फैसला ले रहे हैं। मैं आपके पास चलूँ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो मुख्यमंत्री के संज्ञान का असर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कही थी, कहा था कि उच्च स्तरीय जांच इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी, जिस पर डीटीपी विभाग ने पैराडाइसो से संबंधित जितने भी उनके एमडी हैं या फिर जो भी इसके अंदर आर्किटेक्टर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए थे और गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, जनता टीवी। वहीं गुरुग्राम के चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी में हुए हादसे के मामले में जिला नगर योजनाकार विभाग की जांच पूरी हो गई है। इस बारे में डीटीपी गुरुग्राम से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नीरज वशिष्ठ ने। बीते हफ्ते जिस तरह से सेक्टर 109 इलाके के अंदर बहुमंजिला इमारत में जिसमें कि 2 लोगों की मौत हुई थी जबकि 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, इस मामले में डीटीपी विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमारे साथ डीटीपी गुरुग्राम मौजूद है। सर, क्या कुछ मामला है, एक बार ये बताएं सर। देखिए, ये चिंटल्स की सोसाइटी है, चिंटल पैराडाइसो, जो कि 109 सेक्टर में थी। उसमें 6 फ्लोर के ऊपर एक डी ब्लॉक में काम किया जा रहा था, जो लोगों की इंक्वायरी से पता लिया, लोकल इंक्वायरी से, और वो स्लैब में मेजर चेंजेस ड्रिल वगैरह से भी यूज़ कर रहे थे, वो एक कारण रहा है। लेकिन उसके कारण 6 से फर्स्ट मंजिल तक वो छतें जो घिरी हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है लोगों की ये थी कि ये स्ट्रक्चर सेफ नहीं है, इसलिए जो है
क्योंकि हम रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद भी थे, हम तो 2-3 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में चलते रहे। लेकिन अब जो है लोगों की फर्स्ट रिक्वेस्ट थी कि FIR करवाई जाए। FIR जो है वो कल करवा दी गई है, 48 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कर दी गई थी। डायरेक्टर साहब ने हेडक्वार्टर के और लोकल लेवल के रिकॉर्ड सारे तलब करके ये कहा कि जी इसको एग्जामिन करो, तो उस एग्जामिनेशन के बाद हमने FIR कल दर्ज करा। किसके खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है? देखिए सारे के सारे डायरेक्टर्स जो कंपनी के हैं, चिंटल्स के इंटेल लिमिटेड कंपनी थी उनके सारे डायरेक्टर्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर जिन्होंने ये सर्टिफिकेट दिए थे, स्ट्रक्चर इंजीनियर 3 है, आर्किटेक्ट है, और जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट करवाई है, और जो छठे फ्लोर पर जो भी काम करा रहा था अगर चिंटल करवा दी थी तो उसमें भी चिंटल। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है सर, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ खामियां निकल के आई सर? देखिए इन्वेस्टिगेशन अभी तक तो जो है वो डॉक्यूमेंट्स के बेस पर तो जो FIR कराएगी करेगी। अब लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि इसका स्ट्रक्चर को ऑडिट कराया जाए, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के श्री दविंदर सिंह IAS ऑफिसर, वो कल मौके पर विजिट भी किया उन्होंने, हम उनके साथ थे। लोगों ने अपनी जो है इशूज रेज की हैं उस पर उन्होंने डायरेक्शन दी है कि जी आप इसको इमीडिएटली रिजॉल्व करवाएं। उसमें सबसे पहला पॉइंट FIR का था जो कि करवा दी गई है एक दिन में। अब उनको जो फैमिलीज वहाँ रह रही हैं जिनको शिफ्ट किया गया टेम्पररी, उनके बहुत सारे एडजस्टमेंट है, क्योंकि जो डेली रूटीन का काम कर रहे थे अब वो मतलब एकदम से घरों से शिफ्ट हो गया, अभी टेम्पररी अरेंजमेंट है। तो वी ब्लॉक की जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी इट मे टेक सम टाइम, हो सकता है 1 महीना लगे, लेकिन 1 महीने के लिए वो डेली रूटीन में अपनी जिंदगी जी सकें उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए वो मैं आश्वासन दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि मुझे डायरेक्शंस हैं कि 2-3 दिन में ही इसको सेटल करना है। सर सिर्फ डी ब्लॉक की चेकिंग की जाएगी कि बाकी भी, क्योंकि सोसाइटी वाले ये कह रहे थे, RW कह रहे थे कि तमाम जो टावर हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की जाँच करानी चाहिए? देखिए ऐसे है, जाँच के बारे में मैं आपको जो स्ट्रक्चर ऑडिट के बारे में 1 दिन का समय दीजिए, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूँ। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी ऐसे सोसाइटी हैं जिनका आरोप है कि 5 साल पहले उनको पोजीशन दिया गया था, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है घटिया मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल किया गया, सरिये तक निकलने लगे हैं वहाँ से, क्या कुछ उन सोसाइटी के लिए करने जा रहे हैं सर? देखिए जब ये हादसा हुआ है उसके बाद मेरे ख्याल बहुत सारी ईमेल्स के टाइम टू टाइम हम भी बताते रहे हैं जी ये प्लास्टर गिर रहा है ये गिर रहा है, तो इनकी ऑडिट होनी चाहिए। रूल्स में कोई पहले प्रावधान, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने से पहले कोई गवर्नमेंट एजेंसी से स्ट्रक्चर को चेक करवाना या OC के बाद गवर्नमेंट एजेंसी से स्ट्रक्चर को चेक करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन डायरेक्टर साहब ने और ACS साहब ने ये कहा है कि जी आप मोडेलिटीज़ वर्कआउट करो, अगर दूसरी सोसाइटीज़ भी हैं तो वो उनमें क्या इश्यूज आ रहे हैं वो भी एक लिस्ट आउट कर लो, उसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला किया। रहेजा अथरवा के अंदर भी सर हमने मुआयना किया था, काफ़ी घटिया कंस्ट्रक्शन वहाँ पे देखी गई थी सर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे स्ट्रक्चर गिरा है, क्या कुछ उसकी शिकायत भी आपके पास पहुँची थी? देखिए ऐसे मैं आपके माध्यम से आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि ये एक हादसा जो है इसके बाद हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हादसा कभी भी कुछ हो, जिसके लिए कि अभी जो रूल्स में प्रावधान करने हैं या जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट या मॉडेलिटीज़ वर्कआउट करनी है वो हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम आपको अच्छा रिजल्ट ला के देंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, और रेजिडेंट्स की सेफ्टी सिक्योरिटी को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द फैसला किया। क्या आर्किटेक्चर को भी जांच में शामिल होने के लिए कोई नोटिस जारी करेंगे? देखिए आर्किटेक्ट भी जो इसमें इन्वॉल्व थे उसको हमने FIR उसके अगेंस्ट भी की है, उसने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया होगा तो वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या ठीक था कि वो भी एग्जामिन किया जाएगा। और जिन स्ट्रक्चर इंजीनियर्स ने सर्टिफिकेट दिया है कि उन्होंने सुपरवाइज किया है, जब बिल्डिंग बनी है उन्होंने सुपरवाइज किया है किस एंगल से कि स्ट्रक्चर ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड के हर प्रावधान को देखा गया है, स्ट्रक्चर ड्राॅइंग्स को देखा गया है और मटीरियल को देखा गया और सारे एस्पेक्ट्स को देखकर उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया है कि ये बिल्कुल फिट है फॉर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और ये बिल्कुल जो है ये ठीक बिल्डिंग है और सेफ है। अगर ये सेफ के उन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं तो वो जांच में बताएंगे कि ये कैसे सेफ थी और ये हादसा क्यों हुआ, अगर मटेरियल में कमी थी तो वो देखा जाएगा, बाकी ऑडिट के ऊपर भी 1 दिन में हम इमीडिएटली फैसला ले रहे हैं, मैं आपके पास चलूँ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो मुख्यमंत्री के संज्ञान का असर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल रहा है, मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कही थी, कहा था कि उच्च स्तरीय जांच इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी, जिस पर DTP विभाग ने पैराडाइसो से संबंधित जितने भी उनके MD हैं या फिर जो भी इसके अंदर आर्किटेक्टर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश जारी किए थे, और गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, जनता टीवी।